विधानसभा में स्पीकर प्रभावित। ताजा घटनाक्रम के बाद अब स्थिति लगातार सामने आती चली जा रही है। आपको बता दें कि अभी स्पीकर पद पर आसीन है कैलाश मेघवाल, वहीं आवास आवंटन में शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। अब नए स्पीकर ही तय करेंगे क्या करें पुराने फैसलों का। तो जिस तरह से कैलाश मेघवाल ने 40 विधायकों को यहाँ पर आवास आवंटित किए गए हैं, वो फैसला बरकरार रहेगा या फिर वो बदला जाएगा, इसको लेकर तब तक फैसला नहीं होता है जब तक नए स्पीकर चुन नहीं लिए जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में स्पीकर का प्रभाव और इसी को लेकर अब ताजा घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया है उसके बाद ये स्थिति, जब कहा जा रहा है कि अभी स्पीकर पद पर कैलाश मेघवाल आसीन है और आवास आवंटन में शक्तियों का उन्होंने प्रयोग कर लिया है, और जब तक नए स्पीकर तय नहीं हो जाते हैं तो तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि जो उन्होंने फैसले लिए हैं वो यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। योगेश जी, अब ये यहाँ पर तय करना मुश्किल हो रहा है कि क्या जो उन्होंने फैसला लिया वो सही था या नहीं, और इस बीच ये भी खबर निकल कर आ रही है कि क्या जो उन्होंने फैसला ले लिया है वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा नए स्पीकर के आने के बाद। जी बिल्कुल ऋतु, नए स्पीकर के मार्गदर्शन में तमाम जो कवायद है वो पूरी की जाए, क्योंकि नियमानुसार हाउस कमेटी इस बारे में अपनी राय देती है, अपनी ओपिनियन देती है, और उसके बाद ही स्पीकर इस बारे में अंतिम निर्णय लेता है। लेकिन पावर का जो स्ट्रक्चर है वो अधीन है स्पीकर के, तो वो जो पावर्स है उनका प्रयोग यहाँ पर कैलाश मेघवाल ने किया है, तो इसलिए तमाम जो अड़चने और तमाम जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई वो इसीलिए क्रिएट हुई क्योंकि पावर ऑफ सेंटर विधानसभा में स्पीकर होते हैं और स्पीकर ने अपने पावर्स का उपयोग किया है जो उनको अधिकार है, तो यही उपयोग का अधिकार के क्षेत्र में अब नए स्पीकर इस पूरे मसले को देखेंगे। हाउस कमेटी नए सिरे से जो गठित होनी है, कौन चेयरमैन होगा वो इन तमाम बातों को देखेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फैसले जल्दीबाजी में लिए गए हैं। अमूमन इस तरह के फैसले होते नहीं है, और नई सरकार के गठन के बाद जो नए विधायक चुने जाते हैं उन विधायकों को किसको कौन सा आवास आवंटित किया जाना ऋतु, तो वो तमाम जो फैसले हैं वो नए स्पीकर और नई जो हाउस कमेटी होती है अब वो तय करती है। तो यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई ये फैसले के कारण क्रिएट हुई। जी बिल्कुल, लेकिन योगेश जी इस दौरान जब कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने जब 14वीं विधानसभा को भंग कर दिया था, ऐसे में इनका फैसला लेना कहां तक यहां पर सही माना जाए? जी बिल्कुल, इसीलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई क्योंकि जब 14वीं विधानसभा भंग हो चुकी है ऐसे में नियमानुसार वो अपने पावर्स का संवैधानिक यूज नहीं कर सकते संविधान के दायरे में, और जो विधानसभा का जो संविधान बना हुआ है उसके दायरे के अनुसार ही क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन उसमें चूक हुई है और वो चूक साफ तौर पर यहाँ पर इस बात को लेकर भी नजर आ रही है कि फैसले जल्दीबाजी में लिए गए और जल्दीबाजी क्यों की गई ये भी समस्या पर जा रहा है, और स्पीकर अपनी बात पर अड़े हैं कि उन्होंने जो फैसला किया है वो सही किया है। अब नया स्पीकर कौन होगा और नई हाउस कमेटी क्या कहेगी इसमें, क्योंकि पूरी संसदीय परंपराओं के अनुसार ही नए सिरे से फैसला लिया जाना। जी ऋतु, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा में स्पीकर प्रभावी और जिस तरह से कैलाश मेघवाल ने यहाँ पर फैसला लिया है, अब उस फैसले को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 14वीं विधानसभा को जब राज्यपाल ने यहाँ पर भंग कर दिया है तो ऐसे में ये फैसला जिसको लेकर अब प्रहार भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर ये फैसला दिया गया है।